कारण क्या है किसान मित्रों, जब इस कृषि प्रधान देश में 125 करोड़ जनता के देश में आज भी प्याज का किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है, क्या कारण है? बस इसी कारण, इसी तरह का कारण इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। किसान मित्रों, जब इतना प्याज खेतों में भी सड़ा, बेमौसम बारिश से भी प्याज खराब हुआ, स्टॉक में रखा हुआ प्याज भी खराब हुआ, लेकिन फिर भी प्याज के बाजार में उछाल क्यों नहीं आ पा रहा है? बाजार में उछाल आता है, एक दिन मंडियां 17-18-20 रुपए बिकती है, दूसरे दिन वापिस 13-14-15 पे आ जाती है। तो यह अनियमितताएं क्यों हो रही है? हर किसान का यही सवाल रहता है कि जब नाफेड भी प्याज की खरीदी कर रहा है, सरकार भी प्याज की खरीदी कर रही है, किसान भी मंडियों में माल डेली ले जा रहे हैं, मंडियों में एक एक लाख कट्टे की आमदनी, अभी पुणे मंडी में 1 लाख कट्टे की आमदनी, 100-100 गाड़ियों की आमदनी, पुणे की मंडी में 100 गाड़ी की आमदनी, घोड़ेगांव मंडी में 1 लाख कट्टे की आमदनी, इंदौर मंडी में 1,20,000 कट्टे की आमदनी, शाजापुर मंडी में 50,000 कट्टे की आमदनी। तो किसान मित्रों, इतना प्याज जब मंडियों में जा रहा है तो प्याज का भाव क्यों नहीं बढ़ पा रहा? हर किसान के मन में यही सवाल है कि जब इतने दिनों से स्टॉक का प्याज भी बाहर निकल रहा है, व्यापारियों ने भी इस बार स्टॉक में कोई रुचि नहीं दिखाई, उसके बाद भी प्याज का बाजार नहीं बढ़ पा रहा है, तो इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे एक कारण है, वो सबसे बड़ा कारण निकल कर सामने आया है कि हमारे भारत देश में दो चुनाव हैं, एक आम चुनाव है 2024 का और एक अभी 5 राज्यों के चुनाव बस बारिश खत्म होने के बाद होने वाले हैं। तो ज्यादा भाव के चक्कर में भी यदि किसान बैठा रहा तो बैठा ही रह जाएगा। किसान मित्रों, जहां पर भी अपने माल के बारे में निर्णय लेने का समय आए और अपना माल यदि गवा ना दे रहा हो, प्याज में सड़न की समस्या हो, प्याज क्वालिटी वाला नहीं है, तो आप किसी भी प्रकार का सट्टा ना खेलें, क्योंकि प्याज में सिर्फ और सिर्फ सट्टा है। प्याज के बाजार में आपको रोज उठापटक दिखाई दे रही है, प्याज का बाजार बढ़ेगा, प्याज का बाजार 100% बढ़ेगा, लेकिन कब बढ़ेगा? जब अपने पास में माल ही नहीं रहेगा। अपने पास में माल रहना जरूरी है, लेकिन किसान मित्रों, बेमौसम बारिश ने प्याज की हालत इस कदर से खराब करके रखी है कि जिन गोडाउनों की कंडीशनें स्टॉक लायक नहीं थी, जिन किसानों की कंडीशनें स्टॉक लायक नहीं थी, जिस प्याज की कंडीशन स्टॉक लायक नहीं थी, वह प्याज भी किसानों ने गोडाउनों में भरकर रखा है। तो आपके पास भी यदि दागी माल है, अभी भी मैंने पिछले अपने बहुत सारे वीडियो में किसानों को बहुत सजेस्ट किया है कि आपके पास यदि दागी माल है, 2 नंबर माल है, प्याज सड़ रहा है, तो किसान मित्रों, किसी के भी बहकावे में ना आकर आप अपने प्याज को मंडी ले जाएं। लेकिन किसान मित्रों ने नहीं, बस भाव के चक्कर में 20-15 रुपए, अरे आपका प्याज यदि 8 रुपए बिकता तो 100 कट्टे बिकता, आज 40 कट्टे बिक रहा है 8 रुपए, 9 रुपए किलो, 10 रुपए किलो में, तो आपको नुकसान है, आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। और अभी भी यदि आप मंडी में उसको माल को ले जाते हैं तो भी आप बचेंगे, वरना आपको पहाड़े चलाकर आपका माल फेंकना पड़ेगा। बहुत सारे गोडाउन की कंडीशन बन चुकी है, जो माल आज से 1 से 1.5 महीने पहले 10 रुपए किलो की कंडीशन वाला था, आज उसका बाजार 4 रुपए किलो मिल रहा है। तो किसान मित्रों, आपके पास में भी यदि प्याज है, प्याज की खेती है, अपन खेती करना है, हर साल खेती करना है, यदि आपका माल पिछले वर्ष दिसंबर में आपने उसको बेचा गोडाउन में, तो इस बार यदि बारिश के कारण या किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण अपना माल खराब हो रहा है, तो आप दिसंबर की हट ना लगा कर बैठे। यदि आप उसी हट में बैठे रहेंगे तो आपको एक भी पैसा, आपने जो खेती करने के लिए खर्च किया था, वह भी नहीं निकलेगा। तो मेरे वीडियो को अनर्गल ना लेते हुए, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्याज की इसी तरह की
छोटी से छोटी और मोटी से मोटी जानकारियां मैं अपने यूट्यूब चैनल पर प्रवाहित करवाता रहता हूँ।